राजस्थान के 7 संभागों से अयोध्या धाम के लिए बसों की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि 7 संभागों से बसों की शुरुआत की गई है और ये बसें रोजाना संचालित होंगी। पहले दिन जयपुर से 6 बसों को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बसों को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के 7 संभागों से रोजाना एक एक बस अयोध्या के लिए संचालित होगी। जयपुर सहित प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालय से अयोध्या जाने के लिए रोडवेज बसों की सुविधा शुरू हो गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बस के आगे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया और बस के अंदर पहुंचकर यात्रियों से बातचीत की। उन्हें यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। सुंदरकांड की पुस्तक, नारियल और गंगाजल युक्त बैग वितरित किए गए। सीएम भजनलाल शर्मा ने 6 बसों को हरी झंडी दिखाई। इनमें 3 बसें जयपुर से रवाना हुई जबकि एक एक बस कोटा, अजमेर और बीकानेर से अयोध्या के लिए रवाना हुई। शुक्रवार से रोजाना एक बस जयपुर से अयोध्या जाएगी और इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन हमने राज्य के 7 संभागों से बसें और 1 फरवरी से हवाई सेवा शुरू करने की बात कही थी। 1 फरवरी से हवाई सेवा शुरू हो गई है और आज से बसें भी शुरू हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूं उनका रजिस्ट्रेशन ठीक प्रकार से हो, जाने वालों की ठीक प्रकार से साल समार हो। आप सभी लोग जाइए, भगवान राम के दर्शन करके आइए, राजस्थान की खुशहाली की कामना भी करिए और हमारे उस सांस्कृतिक जो हमारा एक बहुत बड़ा केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बना है, उसको नमन करके आइए, ऐसी मेरी आप सभी से शुभकामना है। मित्रों, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। राम हमारे इस देश ने दुनिया के एक ऐसा जीवन जीने की पद्धति भी बताते हैं और एक आदर्श जो राम राज्य की कल्पना है, उस कल्पना की ओर ले जाने वाले हमारे राम, जिनकी संस्कृति, जिनकी विरासत, जिनका चरित्र अगर हम कहें तो राम जी से बड़ा कोई नहीं है। कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से जिस चीज का हमें इंतजार था कि रामलला का मंदिर जो बना है और हमारी पीढ़ी में बना है, इसलिए उसके दर्शन करने के लिए हर एक राम भक्त वहाँ जाना चाहता है। उनके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये यहाँ पे राजस्थान से सुलभ और सुचारू बस सेवा शुरू की है, निश्चित रूप से जाएंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हमारी मांग थी जल्दी से जल्दी ट्रेन की, बसों की, ऐसा ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी सुविधाएं वो शुरू की जावे ताकि राम भक्त वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के दर्शन को जावें। उसकी शुरुआत आज यहाँ हुई है। बहुत ही मंगलमय उत्सव है, अवसर है कि भगवान राम के दर्शन के लिए अब जयपुर से नित प्रतिदिन रोडवेज के द्वारा यहाँ बसें जाएगी और उससे बहुत ही कम दर के किराए पर सभी राम भक्त जयपुर से, राजस्थान से भिन्न भिन्न स्थानों से जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ब्यूरोक्रेसी को दिए होमवर्क की मॉनिटरिंग तेज कर दी है और इसके तहत गुड गवर्नेंस के लिए न सिर्फ फाइल पेंडेंसी समाप्त करने के टिप्स दे रहे हैं बल्कि लगातार निरीक्षण के जरिए प्रशासनिक तंत्र को मजबूती भी दे रहे हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने 29 बिंदुओं या सूत्रों के आधार पर सरकारी मशीनरी की कमर कसनी शुरू कर दी है। इसके तहत हर सप्ताह सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग SMO के जरिए दिए होमवर्क की हर सप्ताह समीक्षा की जा रही है। विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने की प्लानिंग और उस पर अमल करने के निर्देश, विभागवार संपर्क पोर्टल पर शिकायतों की पेंडेंसी दूर करने का मैकेनिज्म विकसित करने के निर्देश, शिकायतों का आयुवार विश्लेषण करके निपटारे के निर्देश, विधानसभा में लगे सवालों के जवाब, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख सहित विधानसभा के तमाम बिंदुओं की पेंडेंसी, विभागवार फाइलों की पेंडेंसी और विचाराधीन पेंडेंसी कम करने के निर्देश, किसी बिंदु पर चर्चा के बजाय संबंधित से विचार करके निर्णय लेने के निर्देश, सीनियर अधिकारियों को दिसंबर 2023 के मुकाबले जनवरी 2024 में एवरेज फाइल डिस्पोजल कितनी हुई ये तुलना करके डिस्पोजल बढ़ाने के निर्देश, विभागों में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बढ़ाने के लिए सीनियर अधिकारियों के अपने विभागों की अधीनस्थ कार्यालयों सेक्शन में दौरे, निरीक्षण बढ़ाकर प्रशासनिक पकड़ बनाए रखने के निर्देश,
सीनियर अधिकारियों के संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों में उपस्थिति में समय के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश। फाइल डिस्पोजल के अलग अलग स्तर को युक्तिसंगत तरीके से कम करने के निर्देश। पेंडिंग बिलों और कैबिनेट एजेंडों के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश। पेंडिंग भर्तियों की नियमित समीक्षा करके पेंडेंसी कम करने के निर्देश। वर्क मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के जरिए सीनियर अधिकारियों को इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सिविल प्रोजेक्ट्स की लगातार समीक्षा करके उनकी समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश। सिटीजन चार्टर के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों को कम करने का मैकेनिज्म तैयार करके अमल करने के निर्देश। पेंडिंग टाइमलाइन केसेस इसको कम करने संबंधी दिए निर्देश। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन संबंधी जरूरी कार्रवाई तय समय पर पूरे करने के निर्देश। सीनियर अधिकारियों को अपने अधीन विभागों और क्षेत्र में स्टाफ से नियमित संवाद और बैठकें करके उनकी समस्या दूर करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश। गवर्नेंस के काम में तेजी लाने के लिए आईटी का ज्यादा उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ये भी निर्देश दिए हैं कि नोडल विभाग एआरडी हर सप्ताह सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग से पहले इन बिंदुओं की कार्य पर पालन कितनी हुई इसका तथ्यात्मक ब्यौरा देगा। इस ब्यौरे में प्रशासनिक सुधार विभाग सारे विभागों के बिंदुओं को समाहित करके रिपोर्ट बनाएगा। सीएम सुधांश पंत ने भी पिंक लेटर्स में बताए बिंदु का निपटारा अपनी प्राथमिकता बनाया हुआ है। किसी अधिकारी या विभाग की ओर से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में किए जाने वाले कार्य पिंक लेटर्स के तहत आते हैं। इसके तहत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण, अभियोजन स्वीकृति, वीआईपी के विभाग या मुख्य सचिव कार्यालय में भेजे गए पत्र में बताए बिंदु या समस्या का निपटारा शामिल है। इन इंडिकेटर्स में विभाग से जुड़ी संपर्क पोर्टल पर की गई शिकायतों का निपटारा भी शामिल है। इसी के साथ क्लियर्स पोर्टल पर आने वाले पत्रों का समाधान भी प्राथमिकता वाले बिंदु में शामिल है। केंद्र की ओर से राज्यों के विभागों को दिए निर्देशों की पालना भी इसमें शामिल है। साथ ही संसद में राज्य के विभागों से जुड़े कार्यों या प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही विभाग से संबंधित आईएएस अधिकारियों की अंदरूनी कवायद को इसके तहत शामिल किया गया है। इन बिंदुओं को लेकर ब्यूरोक्रेसी को सीएस करना चाहते हैं फंक्शनल। संपर्क पोर्टल पर विभाग से जुड़ी शिकायतों का समाधान, पेंडिंग बिलों या काम को लेकर कवायद, पेंडिंग काम प्रोजेक्ट्स को लेकर सक्रियता, विभागों के अदालतों में पेंडिंग केसेस का निपटारा, विभाग के कैबिनेट नोट या निर्णय पर कवायद, विभाग से जुड़ी पेंडिंग भर्तियों को लेकर विभाग की ओर से की जाने वाली कार्यवाही, विचाराधीन प्रकरणों को लेकर विभाग का एक्शन, विभाग से जुड़े ऑफिसों में समय पालन और फाइलों का यथा समय निपटारा, समय पाबंदी और अनुशासन को लेकर फोकस रखने वाले सीएस सुधांश पंत सोमवार को सुबह 9:45 बजे ही 19 बिंदुओं पर दिए होमवर्क को लेकर बैठक रखी है। इसमें इन बिंदुओं पर ब्यूरोक्रेसी की प्रगति की न सिर्फ समीक्षा के साथ इन दिशा में किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी ली जाएगी। इन मापदंडों से ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और इस क्षमता संवर्धन से आम जनता के काम और तेजी और आसानी से हो सकेंगे। बार बार औचक निरीक्षण भी इसी की कड़ी माना जा रहा है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा के साथ ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। सीएम के मीडिया समन्वयक बने हैं आनंद शर्मा, पेशे से वकील है आनंद शर्मा, जिनको भाजपा संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की थी आनंद शर्मा ने। भाजपा में मीडिया संपर्क प्रमुख से लेकर अनेक जिम्मेदारियां भी उनके द्वारा निभाई गई। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं, पूरा मीडिया संभाल रखा है सीएमओ का पिछले 2 महीने से। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आधिकारिक रूप से अपनी टीम में उन्हें शामिल कर लिया है। सीए सतीश सरीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जन समन्वय अधिकारी की जिम्मेदारी मिली है। सतीश सरीन को प्रदेश भाजपा में कार्य करने का एक लंबा अनुभव है। प्रदेश भाजपा संगठन में अनेक दायित्व भी सतीश सरीन निभा चुके हैं। भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद उनके साथ में काम उन्होंने किया। 12 से 16 घंटे तक जटे रहते हैं मुख्यमंत्री के साथ और आम कार्यकर्ता से लेकर सामान्य जनता से रखते हैं संवाद। सतीश सरीन की इस घोषणा के बाद सामान्य कार्यकर्ता में खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, किस तरह से देखते हैं जो 2 नए नाम निकल के सामने आए हैं और ऐसे में कई जिम्मेदारी इनके द्वारा निभाई गई है पहले भी लंबे समय तक? ऐश्वर्य, आवाज मिल पा रही है आपको? और चलिए ऐश्वर्य से एक बार फिर से जुड़ेंगे, पर उससे पहले आपको
दोनों के ही बारे में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि सतीश सरीन आम जनता, कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। जनता से अच्छा संवाद इनका रहा है हमेशा से। और देखिए, जब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से उनके साथ में जते रहे हैं। आनंद शर्मा की बात की जाए तो पेशे से वकील है आनंद शर्मा। भाजपा संगठन में काम करने का लंबा अनुभव उनके पास में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत उन्होंने की थी। भाजपा में मीडिया संपर्क प्रमुख से लेकर अनेक जिम्मेदारियां भी उनके द्वारा निभाई गई। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही लगातार उनके साथ में उन्होंने काम किया। और देखिए, पूरा मीडिया उन्होंने संभाल रखा है पिछले 2 महीने से सीएमओ का। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आधिकारिक रूप से उनको अपनी टीम में शामिल भी कर लिया है। इसके अलावा सीए सतीश सरीन की बात की जाए तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। जन समन्वय अधिकारी की ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। और सतीश सरीन को प्रदेश भाजपा में कार्य करने का एक लंबा अनुभव है, यानी कि दोनों ही अनुभवी है काफी ज्यादा। प्रदेश भाजपा संगठन में अनेक दायित्व निभा चुके हैं सतीश सरीन। भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद ही उनके साथ में लगातार काम कर रहे हैं और 12 से 16 घंटे तक मुख्यमंत्री के साथ में लगातार डटे रहते हैं, लगातार कार्य करते रहते हैं। आम कार्यकर्ता से लेकर सामान्य जनता से अच्छा संवाद उनका है। सतीश सरीन की इस घोषणा के बाद सामान्य कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब सतीश सरीन आम जनता, कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के बीच में एक सेतु का काम करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, टीम काफी स्ट्रांग होती जा रही है सीएम की, किस तरह से देख रहे हैं? ऐश्वर्य, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आवाज मिल पा रही है। ऐश्वर्य, टीम काफी स्ट्रांग होती जा रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने साथ कार्य कर रहे उन दोनों लोगों को मौका दिया है जो मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री जैसे ही वो बने थे उनके साथ उनकी टीम में जुड़े हुए थे। उस वक्त वो निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए थे और लगातार जो उनका भाव था वो मुख्यमंत्री की टीम में काम करने का था। वो नियमित रूप से सीएमओ और सीएमआर आते थे और 12 से 14 घंटे 16 घंटे जितना भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्य करते हैं तब तक वो रुके रहते थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने उनकी काबिलियत को पहचाना। क्योंकि आनंद शर्मा है वो पेशे से वकील रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो शुरुआती दौर में जुड़े और एबीवीपी में लंबा काम किया और उसके बाद मीडिया की टीम में रहे, मीडिया में सह संयोजक भी रहे और मीडिया संपर्क प्रमुख का दायित्व भी मिला। इससे पूर्व के विधानसभा चुनावों में और इस बार के विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें पार्टी की ओर से दी गई जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उन्हें पहले से जानते थे क्योंकि संगठन में उनको लंबा कार्यानुभव का करने की उनका लगातार लंबा कार्यानुभव रहा है। तो ऐसे में तो दूसरी तरफ सतीश सरीन जो कि सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सीए संस्थान में पदाधिकारी रहे हैं और लंबे समय से वो जयपुर के सीए तबके के अलावा सामान्य जन जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनका समन्वय रहता था। सतीश सरीन लोगों से मिलवाने में उनकी काफी बड़ी भूमिका रहती है। जो भी मिलने के लिए सीएम से आता है उनको वो रिसीव भी करते हैं, बातचीत करते हैं, अपॉइंटमेंट्स दिलवाते हैं और उनकी जो बात मुख्यमंत्री तक पहुंचानी होती है वो जन समन्वय का कार्य करेंगे। जनता के साथ मुख्यमंत्री का समन्वय ठीक रहे, मुख्यमंत्री के कहीं दौरे हो तो दौरों से पूर्व की जिम्मेदारी को निभाएं, दायित्व को निभाएं और दोनों ही बड़े विनम्र से लोग हैं और विनम्रता के भाव के साथ नियमित रूप से मुख्यमंत्री की टीम में रहते थे। मुख्यमंत्री उन्हें नियमित तौर पर देखते भी थे कि उनका कार्य कैसा है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, ये राजस्थान में पहली बार बने हैं लेकिन बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में इस तरीके की पोस्ट होती है तो ये बड़ी पोस्ट होगी। ये भी देखेंगे आनंद शर्मा, मीडिया संस्थानों के साथ समन्वय का कार्य भी देखेंगे और जो डीआईपी डीपीआर डिपार्टमेंट है
उसके साथ समन्वय के साथ मुख्यमंत्री जो उनको आदेश देंगे उस लिहाज से कार्य देखेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दोनों ही गुड चॉइस है। मुख्यमंत्री लगातार इन दोनों को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, दोनों की कार्य क्षमता को देख रहे थे, दोनों के बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से वो पहले से जानते थे, बरसों से जानते थे, इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें मौका दिया है। और अब आगामी दिनों में इनके कंधों पर बड़ा भार रहेगा, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि इनके साथ सबसे बड़ा फायदा एक होगा, अभी तक ब्यूरोक्रेसी के लोग थे लेकिन ये संगठन के लोग हैं, तो संगठन का कोई कार्यकर्ता यदि आता है, संगठन के पदाधिकारी आते हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचाना या फिर मिलवाने का दायित्व इन दोनों के ऊपर भी रहेगा। हालांकि कंप्लीटली मीडिया का कार्य आनंद शर्मा तो देखेंगे ही। एक और बड़ी नियुक्ति थोड़ी देर बाद हमारे पास आ सकती है, तीन नियुक्तियां कुल ये हुई है, तीसरी नियुक्ति की प्रतीक्षा है कि तीसरी नियुक्ति कितनी देर में आती है। तीसरी नियुक्ति जैसे ही आएगी उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और उसके बाद पता चलेगा कि कौन क्या जिम्मेदारी निभाता है। एक और मैं आपको जानकारी दूंगा यहाँ पर कि मुख्यमंत्री इससे पूर्व में कई मुख्यमंत्री ने कई लोगों से संवाद भी किया, मेल मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री चाहते थे कि मीडिया टीम में भी स्ट्रांग लोग आए, यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने मीडिया टीम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। और हीरेन जोशी, इस वक्त की एक और बड़ी खबर है जो मैं अब ऑर्डर डालने जा रहा हूँ, हीरेन जोशी मीडिया सलाहकार चुने गए हैं। इसकी इस खबर की जो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, हीरेन जोशी को मीडिया सलाहकार बना दिया गया है, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हीरेन जोशी होंगे। ये और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आई है कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हीरेन जोशी होंगे। और हीरेन जोशी भी भारतीय जनता पार्टी का जो विचार परिवार कहें, विचार परिवार से वो जुड़े रहे थे और विचार परिवार से जुड़े रहने के साथ लंबे समय से उन्होंने पत्रकारिता में अच्छा अनुभव रहा, संपादक भी वो रहे। और हीरेन मूलतः अलवर जिले के खैरथल के रहने वाले हैं और हम लोगों के साथ भी पत्रकारिता के दौर में उनके साथ मिलना होता था। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बीट हो या फिर राजनीतिक बीट हो या विधानसभा कवरेज हो, उनसे अक्सर मुलाकात होती रहती थी हीरेन जोशी से। तो हीरेन जोशी का ऑर्डर भी अब हमारे पास आ गया है, वो भी हम टीवी स्क्रीन पर अब दिखाएंगे। हीरेन जोशी का जो ऑर्डर है वो आप अगर देख पा रहे हैं तो ये फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर हीरेन जोशी का ऑर्डर भी अब सामने होगा। और ये तीन बड़ी जिम्मेदारियां मिली है, ये तीनों ही जिम्मेदारियां बड़ी अहम हो जाती है, एक आनंद शर्मा, दूसरे सतीश सरीन और तीसरे हीरेन जोशी, तीनों आपस में कोऑर्डिनेट भी करेंगे और तीनों के दायित्व भी तय हो जाएंगे। हालांकि अभी जन भाव स्पष्ट है कि मीडिया सलाहकार भी एक बहुत बड़ी पद होता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हीरेन जोशी के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। मुख्यमंत्री के टूर्स हैं ये, इनमें कई बार ये देखे भी जाएंगे मुख्यमंत्री के टूर्स में। बिल्कुल ऐश्वर्य, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीन नाम सामने निकल कर आए हैं, अनुभव तो अच्छा है ही पर जनता से जुड़ाव भी काफी अच्छा है, जिससे फायदा काफी मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय अंगदान एवं प्रत्यारोपण आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि SCS मेडिकल शुभ्रा सिंह ने शिरकत की और कहा कि चिकित्सा विभाग अंगदान को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अंगदान के क्षेत्र में राजस्थान को अव्वल श्रेणी में लाने के लिए जल्द ही रोड मैप बनाया जाएगा। पेश हमारी खास रिपोर्ट। चिकित्सा विभाग की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यशाला में ACS शुभ्रा सिंह ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए अब तक के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के करीब 25% नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया है, जो एक रिकॉर्ड है। प्रदेश में अंगदान को लेकर आम जन में एक भावना पैदा हुई है, हमारा प्रयास होगा कि इस भावना को साकार रूप देकर अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाएं। प्रदेश में अंगदान हेतु बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि अंगों की मांग और उपलब्धता के अंतर को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। हमारा यह भी प्रयास है कि अंगदान करने और प्रत्यारोपण करवाने दोनों की ही प्रक्रिया सरलतम हो। 25% वयस्क आबादी ने लिया अंगदान का संकल्प। अंगदान एवं प्रत्यारोपण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला। कार्यशाला में ACS मेडिकल शुभ्रा सिंह ने दी जानकारी। अंगदान की शपथ लेने में राजस्थान ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ा। 18 वर्ष से अधिक आयु के 25% नागरिकों ने लिया अंगदान का संकल्प। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो सभी के लिए प्रेरणादायी है।
उन्होंने कहा कि अंगदान को लेकर आम जन में एक भावना पैदा हुई है। हमारा प्रयास होगा कि इस भावना को साकार रूप दिया जाए ताकि अंगदान के जरिए अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाया जा सके। प्रदेश में अंगदान के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि अंगों की मांग और उपलब्धता के अंतर को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। प्रयास ये भी है अंगदान करने और प्रत्यारोपण करवाने की प्रक्रिया सरलतम हो। राजस्थान के चिकित्सा सेक्टर की बदली तस्वीर, अंगदान एवं प्रत्यारोपण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला। कार्यशाला में बोली अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल शुभ्रा सिंह। सिंह ने कहा कि हम किसी समय चिकित्सा की दृष्टि से बीमारू श्रेणी में थे, लेकिन अब प्रदेश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता के कारण ही ये संभव हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर अब संसाधनों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में 7% से अधिक बजट स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहा है खर्च। राजस्थान आज मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता समेत अन्य मानकों में है काफी बेहतर। और इस पे कार्यशाला से हम एक रोड मैप तैयार करेंगे कि जो जनता में एक ग्राह्यता हो गई है, एक सोशल मोबिलाइजेशन हो गया है, जानकारी हो गई है और लोग प्लेज कर रहे हैं अपने ऑर्गन्स, तो उसको हम एक्चुअल में कैसे ट्रांसलेट करें, क्योंकि जिन लोगों को अंगदान की ज़रूरत है उनको हम किस तरह से अपने मेडिकल कॉलेजेस के थ्रू ये प्रदान करें, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है माइलस्टोन होगा राजस्थान की जर्नी में। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी नोटो के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि देश में अंगदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी भ्रांतियों और मिथकों के चलते मृत्यु के उपरांत अंगदान करने वालों की संख्या बेहद कम है। कुल अंगदान में से मात्र 2% अंगदान ऐसे हैं जो मृत्यु उपरांत किए गए हैं। मृत्यु के बाद अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है ब्रेन स्टेम डेड व्यक्ति के परिवार जनों की काउंसलिंग कर उन्हें अंगदान के लिए प्रेरित किया जाए। मृत्यु के बाद महज 2% अंगदान। अंगदान एवं प्रत्यारोपण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला। कार्यशाला में नोटो के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने दी जानकारी। उन्होंने कहा कि देश में अंगदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। ऑर्गन वेटिंग लिस्ट में हर साल जुड़ते 2,00,000 नए लोग। कार्यशाला में नोटो के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने रखा डेटा। जबकि हर वर्ष मांग की तुलना में मात्र 5% लोगों का होता है अंग प्रत्यारोपण। अब अंगदान के लिए राज्यों के अधिवास की शर्त को हटा दिया गया है। अब देश में कहीं भी अंग प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए पॉलिसी बनाई गई है। अंगों के सुगम परिवहन के लिए हर एयरपोर्ट पर नियुक्त है नोडल ऑफिसर। केंद्र सरकार का प्रयास है कि हर राज्य में एक मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर हो। राजस्थान में अंगदान प्रोत्साहन की सार्थक पहल। अंगदान एवं प्रत्यारोपण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला। कार्यशाला में मोहन फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर सुनील श्रॉफ ने दी जानकारी। कहा कि राजस्थान में अंगदान प्रोत्साहन के लिए सार्थक पहल हुई है। राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जहां ड्राइविंग लाइसेंस पर दिया गया विकल्प, अंगदान की इच्छा प्रकट करने का दिया गया विकल्प। अब तक 4,00,000 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से लिया संकल्प। RUHS के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने अंगदान को लेकर दी जानकारी। अंगदान की चुनौतियों और भ्रांतियों के संबंध में दी विस्तार से जानकारी। कार्यक्रम में NHM के मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर, निदेशक RCH डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अंगदान व प्रत्यारोपण के क्षेत्र से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कार्यशाला में विभिन्न तकनीकी सत्रों में ब्रेन डेथ आइडेंटिफिकेशन एवं सर्टिफिकेशन, ब्रेन डेथ मेंटेनेंस, ट्रांसप्लांट लॉ, किडनी, लिवर, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सहित इससे जुड़े विषयों पर गहन चर्चा की गई। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा के साथ, ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट। हिरेन जोशी बने मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर। हिरेन जोशी एक बड़े मीडिया समूह में रहे हैं संपादक पद पर, लंबे समय से पत्रकारिता का अनुभव है हिरेन को, एक अच्छे लेखक और वक्ता के रूप में भी हिरेन की पहचान है। और देखिए अलवर जिले के रहने वाले हैं ये,
आरएसएस विचार परिवार के साथ लंबे समय तक हीरेन जोशी जुड़े रहे हैं और पिछले दिनों अयोध्या में रहकर लिखे कई लेख और बनाए कई वीडियो भी अखंड भारत का हिस्सा रहे। पड़ोसी क्षेत्र से अनेक वर्षों पूर्व निकला था हीरेन का परिवार और इस कारण पुरुषार्थी समाज में भी नाम लिया जाता है परिवार का। पिछले दिनों विचार परिवार के कई कार्यक्रमों में भी व्यस्तता उनकी रही है। आध्यात्मिक विषयों पर भी जबरदस्त पकड़ है हीरेन की। एक युवा चेहरे को बनाए जाने के बाद में युवा पत्रकारों में उत्साह भी नजर आने लगा है, क्योंकि इससे पहले हमारे सहयोगी ईश्वर प्रधान ने भी आपको जानकारी दी थी और उनके बारे में भी आपको बताया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की टीम लगातार स्ट्रांग होती जा रही है और इसी के साथ में हीरेन जोशी जो कि मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर बनाए गए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली इसकी घोषणा हो चुकी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, कुछ देर पहले आपने जानकारी भी दी थी कि मीडिया एडवाइजर इन्हें बनाया गया है, ऐसे में और कुछ भी जरा जानकारी दीजिए इनके बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मैं देख पा रही हूं अभी कि ऐसे लोगों को चुना गया है जिनकी पकड़ काफी अच्छी है। देखिए, पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ लोग है ना, जैसे कि ये है, उसके अलावा ऐसे लोग जिनकी जनता के साथ में अच्छे संवाद है, स्ट्रांग टीम होती जा रही है मुख्यमंत्री की लगातार। जी बिल्कुल, अब हीरेन जोशी का ऑर्डर भी आया है। हीरेन जोशी का ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर के बाद ये तीसरा ऑर्डर आया है और ये जो ऑर्डर है इसमें उन्हें मीडिया एडवाइजर बनाया है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि आनंद शर्मा और सतीश सरीन का दायित्व देखेंगे और उसके बाद ये तीसरा ऑर्डर भी अभी आया है। इस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है मीडिया एडवाइजर। तो अब ये जो बड़ी बात यह है कि एक में ही कि मीडिया एडवाइजर अलग है और मीडिया कोऑर्डिनेटर अलग है, तो मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम आनंद शर्मा का होगा और मीडिया एडवाइजर का काम हीरेन जोशी का होगा। हालांकि इनके कार्य वितरण को लेकर संभवतया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बातचीत हुई होगी, उन्होंने बताया भी होगा कौन सा कार्य कौन देखेंगे। और हीरेन है, इनको पत्रकारिता का अच्छा अनुभव है और विचार परिवार से ये आते हैं और मूलतः अलवर जिले के रहने वाले हैं और अखंड भारत या जो पाकिस्तान बन गया है उस क्षेत्र से बरसों पहले ये लोग आए थे, विस्थापित बताए जाते हैं। तो इन्होंने हीरेन जो है इससे पहले लेखन शैली भी इनकी रही है और पत्रकारिता में भी हमारे साथ भी कई बार फील्ड में इनको काम, हम फील्ड में काम करते थे, राजनीतिक पत्रकारिता हो या फिर अलवर जिले में संपादक के तौर पर भी रहे थे अखबार में। तो हीरेन जोशी को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है और तीन एक के बाद एक नियुक्तियां हुई है और तीनों ही नियुक्तियां बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आनंद शर्मा, सतीश सरीन और अब हीरेन जोशी, ये तीनों के एक साथ ऑर्डर हुए हैं एक के बाद एक फर्स्ट इंडिया पर, ये टीवी स्क्रीन पर तीनों के फोटो और फोटो के साथ ऑर्डर हमने बताए हैं। हीरेन के ऊपर भी कंधों पर भार होगा। पिछले दिनों इनके वीडियो जो थे वो अयोध्या से आते थे, ये राम भगवान के ऊपर कोई ना कोई, तो ये तीनों नियुक्तियां हुई हैं और तीनों सभी के सामने हैं। और अभी मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी जी, बिल्कुल ऐश्वर्य, लगातार जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीकानेर में सड़क सुरक्षा उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, चुन्नीलाल सोमानी राजकीय ट्रोमा सेंटर और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, फ्लीट ऑनर्स, वाहन चालकों ने सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा की और कार्यशाला का उद्घाटन महापौर सुशील कंवर राजपुरोहित ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने की। आमजन को यातायात नियमों के पालन की अपील करते हुए महापौर राजपुरोहित ने कहा है कि यातायात नियमों की पालना कर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के साथ अन्य लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं एसपी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाया, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के त्वरित इलाज के लिए राजकीय ट्रॉमा सेंटर में उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घायल को तुरंत अस्पताल तक पहुंचाने में आमजन विशेष संवेदनशीलता दिखाए और मानव जीवन को बचाए।
आज परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा की कार्यशाला है और बिल्कुल ये कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहती हूँ समय समय पर होनी चाहिए ताकि आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं जो हमें पालन करने हैं उसका हमें पता चले। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना हमें खुद करनी है। ऐसा नहीं है कि ये सुरक्षा के नियम हमसे कोई पालन करवाए, जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पब्लिक को, जैसा कि हमारी मेयर साहिबा ने बोला कि अगर आपको कोई देख भी नहीं रहा तो आपको अनुशासन में ही गाड़ी चलानी है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर आप बहुत बिजी आदमी हैं और मोबाइल बार बार यूज़ करते हैं तो कृपया करके गाड़ी में मोबाइल आप यूज़ नहीं करें या ड्राइवर रख लें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि 90% एक्सीडेंट मोबाइल के यूज़ से होते हैं। पीपल फॉर एनिमल के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में शिकारियों द्वारा पैंथर का शिकार करने के मामले में वन और पुलिस विभाग के अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही की आलोचना की है। उन्होंने वन और पुलिस विभाग से कार्यवाही की मांग की है और मामले को पीएफए राष्ट्रीय अध्यक्ष मेनका गांधी एवं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भी सूचित किया है और साथ ही शिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। शाहपुरा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र में रजवास गांव में खुलेआम शिकारियों ने पैंथर के फंदा डाल करके मारने का काम किया है। ये वन विभाग और पुलिस विभाग की कमजोर सूचना तंत्र, घोर लापरवाही व अनदेखी का नतीजा है कि अनुसूची प्रथम का वन्य जीव पैंथर, जिसका खुलेआम शिकार करने की जो साजिश रची गई है, ये वन विभाग की ढिलाई का नतीजा है। अगर इस शिकार की घटना का पता लगाया जाए तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करों की मिलीभगत सामने आएगी। डूंगरपुर के वर्धा गांव में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला व नाबालिग का भतीजे के साथ जानलेवा हमला और घर में तोड़फोड़ की वारदात हुई। बता दें कि गांव के बोलेरो गाड़ी में आए चार बदमाशों ने घर में घुसकर भीतर मौजूद एक महिला पर जानलेवा हमला बोल दिया। शोर होने से भीड़ जमा हो गई और पड़ोसी महिलाओं ने बीच बचाव किया तो उनसे भी बदमाशों ने गाली गलौज की। इसके साथ ही पीड़िता के पड़ोसी को जान से मारने की धमकी देकर बदमाश फरार हो गए। घटना को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने के बाहर जमा हो गए और थानाधिकारी सहित स्टाफ के खिलाफ नारेबाजी की गई। सूचना पर सागवाड़ा एसपी विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने वर्धा थानाधिकारी सहित पूरे स्टाफ को बदलने की मांग को लेकर डीएसपी को ज्ञापन भी सौंपा। डीएसपी ने दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसके बाद ग्रामीण शांत हो गए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।